नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत न्यूज टीवी और मैं हूं आपके साथ मानवी ठाकुर। शुरुआत करते हैं आज की खास खबरों से। मंत्री भूपेंद्र सिंह का बड़ा बयान सामने आया है। सभी चारों सीटों पर विजय संकल्प अभियान के रूप में घर घर जनसंपर्क किया है। आज से घर घर जनसंपर्क अभियान चलाया जा रहा है। आओ मिलकर दीप जलाएं, कमल का फूल खिलाएं स्लोगन के साथ दो दिन तक कार्यकर्ता संपर्क करेंगे, लोगों से अपील करेंगे कि अधिकतम मतदान हो, भाजपा को ही वोट दें। देश में सबसे ज्यादा महंगाई कांग्रेस के समय से रही है। कमलनाथ की सरकार ने सबसे ज्यादा पेट्रोल डीजल पर वेट लगाया है, हमारी सरकार ने कम किया है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उतार चढ़ाव आ रहा है, बरसात ज़्यादा हो गई और सब्जी सड़ गई तो सब्जियों के दाम बढ़ जाते हैं। महंगाई इस समय कोई बड़ा मुद्दा नहीं है, कांग्रेस ने सबसे ज़्यादा धोखा किसानों के साथ किया है। कांग्रेस के सदस्यता अभियान को लेकर कहा कि पहले कांग्रेस अपने नेताओं को देखें, उनके नेता कितना नशा करने वाले हैं, उनको हटाएं। कोरोना अभी गया नहीं है, चौथी लहर कई देशों में आई है, सभी मास्क का प्रयोग करें, जिनके सेकेंड डोज रह गया है वो दूसरा डोज भी ज़रूर लगाएं। केपीएस तुलसी के द्वारा ड्रग्स पर से प्रतिबंध हटाने और दिग्विजय सिंह के द्वारा आर्यन खान को निर्दोष बताने पर भूपेंद्र सिंह ने कहा कि ड्रग्स हमारी युवा पीढ़ी को बर्बाद कर रही है, इसे प्रतिबंधित ही रहना चाहिए। और रही बात दिग्विजय सिंह के द्वारा आर्यन खान को निर्दोष बताने की, तो दिग्विजय सिंह हमेशा इस तरह की सांप्रदायिक उन्माद फैलाने वाली बात करते हैं। दिग्विजय सिंह ने उस समय क्यों नहीं कुछ बोला जब कंगना रनौत का घर तोड़ा जा रहा था। मैं इस बात को मानता हूँ कि ड्रग जो है वह हमारी जो देश की युवा पीढ़ी है उस युवा पीढ़ी को प्रभावित कई जगह कर रही है, और इसलिए ड्रग के मामले में सख्ती के साथ कार्रवाई होना चाहिए। जहाँ तक माननीय दिग्विजय सिंह का आर्यन के मामले में सवाल है, तो मैं पूछना चाहता हूँ कि ये घटना आर्यन खान के साथ तो ड्रग से संबंधित मामला है, पर जो हमारी फिल्म अभिनेत्री हैं, जो कंगना रनौत जी हैं, उनका भी जब मकान वहाँ तोड़ा था जिसको हाईकोर्ट ने भी गलत माना था, तो रंगना कनौत भी तो अभिनेत्री थी, तब नवाब मलिक क्यों नहीं बोले, तब दिग्विजय सिंह क्यों नहीं बोले। तो एक जाति विशेष का जब कोई मामला आता है तो उसको सांप्रदायिक रंग देने का काम कांग्रेस के नेता करते हैं।